बट वेन आई टॉक टू दी ऑफिस बॉय आई केम टू नो दैट वहां पे केवल एक एसोसिएट था एंड एक वो ऑफिस बॉय था उसके अलावा उस ऑफिस में कोई भी पोस्टेड नहीं था थोड़ी देर बाद मुझे उनका फोन आता है शी शी डिनाइज आपका कोई भी एक्सपेंस हम नहीं बियर कर सकते अब इस समय पे मैं कैसा फील कर कराऊंगा आप सोच ही सकते हो इस चीज को सो हेलो एंड वेलकम टू माई फर्स्ट एवर लॉन्ग वीडियो स्लैश पॉडकास्ट अभी तक मैंने जितनी वीडियोज़ बनाए अपने यूट्यूब चैनल पर उसमें मेरे पास एक स्क्रिप्ट होती है जिसमें मैं लिखे हुए रखता हूँ कि मुझे अब ये बोलना है अब ये बोलना है सोन बट so इस वीडियो को मैं बहुत ही रॉ रखने वाला हूँ मेरे सामने जो लैपटॉप है उसमें मैंने बुलेट पॉइंट्स लिख रखे हैं केवल कि मुझे इन बारे में बात करनी है बट एग्जैक्टली exactly क्या बात करनी है वो मैंने नहीं लिख रखा है इसमें सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी न्यू थिंग फॉर मी एंड इस वीडियो को मैं स्पॉटीफाई में भी अपलोड करने वाला हूँ इन ऑडियो फॉर्मेट ताकि अगर आप वहाँ पर जाके इसे सुनना चाहते हो वो भी कर सकते हो कुछ काम करते वक्त सो वाई एम आई मेकिंग दिस वीडियो द फर्स्ट रीजन इज कि मैं पर्सनली एक बहुत ही हैवी पॉडकास्ट कंज्यूमर हूं मैं बहुत ही ज्यादा इस तरह का कॉन्टेंट सुनता है एज वेल एज देखता हूं लॉन्ग वीडियोज एंड लॉन्ग पॉडकास्ट टाइप का तो मैं भी इस तरह का कॉन्टेंट बनाना चाहता था एंड दिस इज वाई आम डूइंग इट सेकेंड थिंग इज कि पॉडकास्ट में इतना समय नहीं लगता अपलोड करने में बिकॉज अगर मैं आज शूट कर रहा हूँ तो हो सकता है मैं इसको कल या परसों ही अपलोड कर पाऊँ बट जो 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 नॉर्मल वीडियो में अपलोड करता हूँ उसमें मुझे फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज एटलीस्ट लग जाते हैं अपलोड करना है बिकॉज अब मैं एज एन इन हाउस काउंसिल एज ए लॉयर ऑफिशियली काम भी करना चालू कर दिया मैंने इफ़ यू डोंट नो आई वर्क एट हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एज ए लॉयर इसलिए भी मैं ये वीडियो अपलोड करना चाहता था ना मेरा सजेशन ये कि आप कुछ भी बोरिंग काम कर रहे हो या फिर आप वॉक पे जा रहे हो या फिर आप कुछ और काम कर रहे हो जहाँ पे आपका ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट की कैसे जरूरत नहीं है तब इस तरह के आप वीडियोस कंज्यूम करना चालू करो फॉर एग्जाम्पल मैं बाइक जब भी चलाता हूँ मेरे पास एक रॉयल एनफील्ड थ्री फिफ्टी वाली बाइक है तो जब भी मैं बाइक चलाता हूँ तब मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ सो so उससे बाइक चलाना तो इंटरेस्टिंग हो ही जाता है साथ ही साथ समय का भी यूटिलाइजेशन होता है बिकॉज हर पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है नाउ ये सब तो बात हो गई कि वाई एम आई अपलोडिंग दिस वीडियो एंड सो ऑन अब बात करते हैं द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो की किस चीज के बारे में वीडियो होने वाले हैं सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट माई बैंगलोर वाली इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस 2019 दिसंबर में मैंने एक इंटर्नशिप करी थी बैंगलोर में उसमें मैं एक बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस हुआ था मेरे साथ नाउ इफ यू आर ए नॉन लॉ स्टूडेंट मगर आप अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है या समथिंग लाइक दैट तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो इंटर्नशिप्स होती है लीगल इंटर्नशिप्स जो होती है उनका सीन इंडिया में इतना अच्छा नहीं है मतलब 90% ऑफ द इंटर्नशिप्स आर अनपेड और उसमें भी आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जो भी आपके लॉ फॉर्म्स वाले होते हैं या जो भी आपके लॉयर्स होते हैं उनके द्वारा बट इस इंटर्नशिप में जो बेंगलोर वाली इंटर्नशिप थी उसके साथ उसमें जो मेरे साथ हुआ था वो तो एक हाई लेवल की चीज थी आई थिंक आज तक किसी के साथ वैसा नहीं हुआ होगा साथ ही साथ मेरे दो मोटिव्स भी थे इस वीडियो को अपलोड करने के लिए फर्स्ट वन वॉज I wanted to start a conversation around this topic. एक भी वीडियो मुझे नहीं मिला था इंटरनेट पे जो इंडिया के फॉर्म इंटर्नशिप्स के बारे में बात करे कि किस तरह से इंटर्नशिप्स को एक इम्प्रूवमेंट की जरूरत है इंडिया में लीगल इंटर्नशिप्स को एंड सेकंड थिंग वॉज जो मैं इस वीडियो में चीजें बोलने वाला हूँ उससे बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स रिलेड कर पाएंगे तो एक एंटरटेनमेंट वैल्यू भी सर्व करेगा ये वीडियो अगर मैं इसको अपलोड करता हूँ तो ये बात हो गई अब जो भी बैकग्राउंड होती है सबके बारे में नाउ लेट्स गेट डायरेक्टली इंटू द टॉपिक सो बात है दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन की Just to start from the basics, मैं आपको आपको ये समझाना चाहता सबसे पहले कि लॉ स्कूल में आपको दो बार इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है साल में मतलब एक बार आपको मिलता है मई जून में मौका एंड एक बार आपको मिलता है नवंबर या दिसंबर में जब भी आप इंटर्नशिप करना चाहते हो जिस भी मंथ में उससे चार से पांच महीने पहले आपको एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि आपको उस समय इंटर्नशिप मिल जाए लेट्स से अगर आप मे में, में इंटर्नशिप करना चाहते हो तो आपको जनवरी तक इंटर्नशिप आपकी कंफर्म हो जानी चाहिए किसी जगह पे मतलब आप दिसंबर से अप्लाई करना चालू करोगे तो जनवरी तक या फेबरी तक आपको इंटर्नशिप मिल जानी चाहिए उसी तरह से आप अगर नवंबर या दिसंबर में करना चाहते हो तो आपकी जुलाई या अगस्त में इंटर्नशिप कहीं ना कहीं लग जानी चाहिए अदरवाइज ये होगा कि हर जगह स्लॉट्स फुल हो जाएंगे और आपको फिर मुश्किल होगी इंटर्नशिप पाने में ना मेरे साथ यही हुआ था नवंबर एंड दिसंबर टू थाउजेंड की इंटर्नशिप के लिए मैंने सेप्टेम्बर तक स्टार्ट ही नहीं करा था अप्लाई करना एंड टू जुलाई से मैं अपने थर्ड ईयर में भी आ गया था सो ये थर्ड ईयर की इंटर्नशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है बट स्टिल एज सेड मैंने सेप्टेम्बर तक स्टार्ट ही नहीं कर था अप्लाई करना क्यों ऐसा हुआ था वेल well, बिकॉज पहली चीज़ मुझे किसी ने कहा नहीं था कि मुझे अप्लाई करना चाहिए स्कूल से हमारी एक आदत रहती है कि हमें कोई कहता है तभी हम करते तो मुझे किसी ने कहा नहीं था एंड सेकेंड चीज मुझे पता नहीं था कि किस तरह से अप्लाई करना है बट मेरे एक सीनियर ने फाइनली मुझे हेल्प करा एंड आई स्टार्टेड अप्लाई मैंने कई सारी लॉ लॉफॉर्म्स को कॉल करा कई सारी लॉ लॉफॉर्म्स को मैंने ई मेल करा एटलीस्ट चालीस से पचास जगह मैंने कॉल करे कुछ लोगों ने तो डांट भी दिया कि वाई आर यू कॉलिंग अस बट फाइनली एक महीने की बहुत मेहनत करने के बाद मेरी दो इंटर्नशिप लग गई थी एक फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड एक फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर नवंबर मंथ में मेरी साई एसोसिएट्स नाम से एक लॉ फॉर्म है उसमें इंटर्नशिप लगी थी इन द सिटी ऑफ मुंबई एंड दिसंबर में मेरी एक दूसरी फॉर्म में इंटर्नशिप लगी थी इन द सिटी ऑफ बैंगलोर ये वीडियो स्पेसिफिकली दिसंबर वाली इंटर्नशिप के बारे में है इसलिए मैं उस लॉ फॉर्म का नाम नहीं लेने वाला हूँ बाय द वे मैंने जिन भी लॉ फॉर्म्स में अप्लाई करा था उन सब की लिस्ट मैंने अपनी वेबसाइट पे डाल रखी है एंड वो बहुत ही अपडेटेड लिस्ट है 2022 में ही मैंने अपडेट करा था उन्हें एंड मेरी जो वेबसाइट है वाइसो लेगल उस पर आपको ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएगी मैं एक ई e बुक भी लिख रहा हूँ कुछ ही समय में अपनी ई e बुक भी मैं अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करने वाला हूँ सो डू चेक इट आउट द वेबसाइट विल बी हेल्पफुल फॉर यू सो जो मेरी दो इंटर्नशिप लग गई थी तो आई वॉज रियली हैप्पी फर्स्ट चीज़ तो कि थर्ड ईयर था मेरा थर्ड ईयर में इंटर्नशिप करना माइंड इयर रखता है एज आई ऑलरेडी सैड बली वो मिड साइज फॉर्म्स थी दोनों इतनी बड़ी लॉ फॉर्म्स नहीं थी बट स्टिल आई वॉज हैप्पी कि बिना कनेक्शंस के मेरी लास्ट मोमेंट पे इंटर्नशिप लग गई नाउ सेप्टेम्बर मंथ ओवर हो जाता है अक्टूबर मंथ भी ओवर हो जाता है एंड अक्टूबर मंथ के लास्ट वीक में मैं मुंबई के लिए निकल जाता हूँ ये पहली बार था कि मैं मुंबई जा रहा था अपनी लाइफ में एंड मुंबई जाने से एक हफ्ते पहले मैं अपना पीजी बुक करता हूँ मुझे कुछ भी नहीं था कि मुंबई में कौन से जगह पे मेरा ऑफिस है कहाँ पे बुक करना चाहिए सो एन एंड सो फोर्थ बट लकीली एक पीजी मुझे मिल जाता है बिल्कुल मेरे ऑफिस के पास में सो आई गॉट द पीजी इन द फोर्ट एरिया ऑफ मुंबई नाउ फोर्ट एरिया इज वेरी कॉस्टली एंड मुझे ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज का पड़ा था मेरा एक सिंगल रूम जिसको हम तीन लोग शेयर कर रहे थे मतलब ट्रिपल शेयरिंग रूम था एंड पर पर्सन वी वर पेइंग ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज विदाउट अकाउंटिंग फॉर द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मेरा ओवरऑल ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज का खर्च आया था जस्ट टू लेट यू नो एंड इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो भी बना रखा है यू कैन चेक इट आउट ऑन माई चैनल तो ऐसा ही साइड की मुंबई में, में मेरी इंटर्नशिप साई कृष्ण एन एसोसिएट्स में थी दिस वॉज अ लॉफर्म विच वॉज डीलिंग इन आईपी लॉ नेटफ्लिक्स कलर्स शायद तक इस लॉफर्म के क्लाइंट्स थे तो अच्छा वर्क था वहां पर मैं बॉम्बे हाईकोर्ट भी गया था फाइनली नवंबर मंथ में मैं एक महीने की पूरी इंटर्नशिप कम्पलीट करता हूँ मुंबई में एंड देन में डायरेक्टली बैंगलोर के लिए निकल जाता हूँ जहां पे मेरी सेकंड इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली थी सो so, मुंबई से बैंगलोर भी मैं एक बस में ही ट्रैवल करता हूँ मैं बिकॉज फ्लाइट के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं था मुंबई वाली इंटर्नशिप भी अनपेड ही थी और बैंगलोर वाली भी अनपेड ही होने वाली थी एंड तब तक मैं अपनी लाइफ में कभी फ्लाइट पर बैठा भी नहीं था सो आई थॉट कि लेट्स गो इन बस ओनली सो अठारह घंटे की मेरी जर्नी होती है मुंबई से बैगलोर की बस में एंड फाइनली एक दिसंबर के आसपास मैं बैंगलोर पहुँच जाता हूँ ई फर्स्ट टाइम इन साउथ इंडिया एज वेल एज इन बैंगलोर एंड थैंकफुली बैंगलोर इतना एक्सपेंसिव नहीं था जहां पर मुंबई में मेरा ट्रिपल ऑक्यूपेंसी रूम ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज का था वहाँ भी बैंगलोर में इट वॉज ओनली सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज फॉर सिंगल ऑक्यूपेंसी और मैं संडे को पहुंचा था बैंगलोर में सो मेरे पेरेंट्स ने सजेस्ट कर जाके थोड़ा सा बैंगलोर घूम ले और साथ ही साथ अपना ऑफिस भी देख के आ जाना ताकि जब मंडे को मैं ऑफिस जाऊँ तो इट वुड बी ईजी फॉर मी टू रीच दिन होगा अगर मैं एक दिन पहले ही सारे रास्ते वगैरह देख के आ जाता हूँ तो सो नेक्स्ट डे होता है एंड मैं सुबह आठ नौ बजे के आस पास निकल जाता हूँ ऑफिस के लिए एंड जैसे ही मैं पहुंचता हूँ ऑफिस में आई सी देट वहां पे पूरे ऑफिस में केवल एक सिंगल पर्सन होता है एंड देट वॉज द ऑफिस बॉय साथ ही साथ जैसे ही मैं ऑफिस में घुसता हूँ मैं देखता हूँ कि पूरा ऑफिस जर्जर हो रहा है टेबल्स टूटी हुई है एंड ये देख के मुझे थोड़ा अजीब लगता है बिकॉज जो मेरा साइकिल एसोसिएट्स वाला ऑफिस था मुंबई में जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप करी थी इट वॉज रियली नाइस बिकॉज पूरा नया का नया ऑफिस था बट जब मैं बैंगलोर के इस वाले ऑफिस में गया आई हैड थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेशन बिकॉज ये कंपेरेटिवली बड़ी फ़ॉर्म थी सो एज आई साइड कि वहां पर केवल एक सिंगल पर्सन था डेट वॉज दॉय सो आई थॉट की सुबह और ये जो भी यहाँ पे लोग काम करते वो लेट आएंगे बट वैन आई टॉक टू दफिस बॉय आई केम टू नो दैट वहाँ पे केवल एक एसोसिएट था एंड एक वो ऑफिस बॉय था उसके अलावा उस ऑफिस में कोई भी पोस्टर नहीं था आई वॉज रियली शॉक टू हेयर दिस बिकॉज उस लॉ फॉर्म के दिल्ली वाले ऑफिस में आई थिंक थर्टी फोर्टी पार्टनर समथिंग थे एंड यहाँ पे केवल एक सिंगल एसोसिएट नो पार्टनर ओनली वन सिंगल एसोसिएट। नो अगर आप नहीं समझते कि एसोसिएट पार्टनर क्या होता है सो so, बेसिकली आप जब लॉ स्कूल पास करते तो आप एक एसोसिएट बन के एक ऑफिस में जाते हैं एंड उसके बाद यू बिकम ए सीनियर एसोशिएट यू बिकम ए प्रिंसिपल एसोशिएट एंड देन यू बिकम अ पार्टनर तो उस ऑफिस में केवल एक सिंगल एसोसिएट ही था एंड ऑफिस बॉय ओनली टू पीपल एंड वो एसोसिएट भी जब मैं ऑफिस में था तब नहीं था सो so फिर भी मैं बैठता हूँ ऑफिस में एंड मुझे थोड़ी देर बाद एसोसिएट का कॉल आता है ही आस्क मी अबाउट माई सेल्फ साथ ही साथ ही में सम रिसर्च ऑन टेक्नोलॉजी लॉ कि जब तक मैं आता हूँ तब तक इस पर थोड़ी सी रिसर्च करके रखना एंड देन उनका कॉल आता है कि वो आज नहीं आ पाएंगे ही विल मीट मी टुमारो सो उस दिन फिर मैं अपने घर पे जाता हूँ एंड मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ कि मेरे साथ ये यह हुआ यहाँ पे केवल एक सिंगल एसोसिएट है सो नेक्स्ट डे फिर मैं वापस अपने ऑफिस जाता हूँ एंड द एसोसिएट वॉज देयर इन द ऑफिस सो ही कम्स एंड टेल्स मी कि एक्चुअली उनका भी वो लास्ट दिन ही था उस ऑफिस में एंड ही वॉज लिविंग फॉर सम प्लेस एल्स नाउ इस सेकेंड में मैं ये सोचा था कि ना तो यहाँ पे कोई स्टाफ है इनका तो फिर मुझे यहाँ पे इंटर्नशिप करने भेजा ही क्यों ये मैंने उन असोसिएट को भी कहा और ही वॉज जेन्यली सैड एंड ही ब्रॉट सम पिज़्जा फॉर मी वी एट सम पिज़्जा वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग फिर उन्होंने मुझे कहा कि हर्षिल वॉट वी कैन डू नाउ यू कैन कॉल द एच आर ऑफ द दिल्ली ऑफिस और उनको अपनी सिचुएशन बताओ ताकि वो कुछ सोल्यूशन अरेंज कर सके आपके लिए सो so, मैं एचआर को कॉल करता हूँ मैं उन्हें बताता हूँ कि क्या क्या सिचुएशन हुई है वो पहले से ही सिचुएशन जानती थी शायद तक दो तीन दिन पहले से बट उन्होंने मुझे बताया नहीं था बट देन शी टेल्स मी कि हर एक काम कर सकते हो तुम या फिर तो तुम दिल्ली ऑफिस वापस आ जाओ हमारे पास या फिर तुम मुंबई ऑफिस चले जाओ तो फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि मैम ऑलरेडी मैं यहाँ पे पी भी बुक कर चुका हूँ मेरा आने जाने का भी एक्सपेंसिस हुआ है फिर मैं जब अगर वापस से से दिल्ली और मुंबई आता हूँ तो वहाँ पर आने का खर्चा होगा मेरा वहां पे मुझे पीजी या फिर अपना कुछ फ्लैट बुक करना पड़ेगा एक महीने के लिए उसका भी एक्सपेंसेस होगा देन दी एच आर कि एक बार मैं अपने सीनियर से बात करती हूँ कि आपका जो भी फ्लाइट एक्सपेंसिस वापिस दिल्ली या मुंबई आने के लिए एंड आपने जो पीजी का एक्सपेंस दिया है वो हम बियर कर सकते या नहीं कर सकते थोड़ी देर बाद मुझे उनका फ़ोन आता है शी डिनाइज एवरी थिंग शी सेस कि आपका कोई भी एक्सपेंस हम नहीं बियर कर सकते ना आपके पी का ना आपके फ्लाइट टू दिल्ली और मुंबई का बट अगर आप दिल्ली या मुंबई ऑफिस आना चाहते हो इंटर्नशिप करने तो आप आ सकते हो बट यू हैव टू अरेंज एवरी थिंग ऑन योर ओन अब इस समय पे मैं कैसा फील कर रहा हूँ आप सोच ही सकते हो इस चीज को बट स्टिल मैं उनको कहता हूँ कि मैम आई थिंक अबाउट इट एंड आई विल लेट यू नो टू इस समय एसोसिएट भी मेरे साथ नहीं होते वो एंड वो मुझे सजेस्ट करते हैं कि तुम बैंगलोर में ही कहीं पे इंटर्नशिप कर लो भले इस लॉफॉर्म में नहीं कर पा रहे हो तो देन ही कॉल्स सम ऑफ हिज फ्रेंड्स फ्रॉम बैंगलोर ही जेनली ट्राई टू हेल्प मी की बैंगलोर में क्या इंटर्नशिप लगाते हो बट दो तीन जगह फोन करते हो और कहीं पर भी इंटर्नशिप स्लॉट्स नहीं होते फिर यही करते करते पूरा दिन हो जाता है एंड थर्ड दिन मैं वापिस ऑफिस में आता हूँ एंड द एसोसिएट वॉट देयर बिकॉज ऑफ सम रीज़न तो मैं खुद ही ऑफिस में बैठे बैठे बैंगलोर की जितनी भी लॉफा मैं उनकी लिस्ट निकालता हूँ एंड एक एक करके सब लॉफों से मैं मेल करता हूँ साथ ही साथ में कॉल्स भी करता हूँ नौ कैन यू इमेजिन दिस थिंग एक लॉ फॉर्म में बैठा बैठा मैं दूसरी लॉ फॉर्म में इंटर्नशिप के लिए एप्लीकेशन कर रहा हूँ कई सारे कॉल्स करे मैंने लगभग हर जगह ही फुल थी इंटर्नशिप कुछ लोग तो कन्फ्यूज भी हो गए कि यार चार या पांच दिसंबर तो ऑलरेडी हो चुका है यू आर आस्किंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर इंटर्नशिप बट फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद एक लॉ फॉर्म में मुझे इंटर्नशिप मिल जाती है उस लॉ फर्म का नाम होता है क्रेस्ट लो पार्टनर्स एंड दे आस्क मी टू जॉइन इमीडिएटली फ्रॉम द नेक्स्ट डे थैंकफुली थैंकफुल पार्टनर्स वॉज अ वेरी गुड लॉ फॉर्म भले ही वहां पे मैं इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाया एसोसिएट्स एंड ऑल से बट दी पीपल वर रियली नाइस आई वेंट टू कर्नाटक हाई कोर्ट आई ऑल्सो वेंट टू द वेरियस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ बैंगलोर वहां पे सीक्रेट सेंटर भी मनाया गया था बिकॉज दिसंबर का मंथ था सो so जब मैं वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा था क्रेसलो पार्टर्स में तभी मैं वापस से उन एच को कॉल करता हूँ उस वाली लॉ फॉर्म के एच को एंड आई स्टेट टू हर कि मैम मुझे दिल आ, यहाँ पे इंटर्नशिप मिल गई बैंगलोर में सो so मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज नेक्स्ट जो इंटर्नशिप होने वाली मतलब जो मे जून वाली इंटर्नशिप होने वाली नेक्स्ट ईयर की टू की ये वाली इंटर्नशिप में जो भी मैसअप हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए प्लीज मुझे आप उस इंटर्नशिप में स्लॉट दे दीजिए जो मे जून वाली इंटर्नशिप होने वाली है उसमें तो उसी टेल्स में कि यस यस डेफिनेटली हर वी विल डू दैट एंड मैं आपके लिए स्लॉट बुक कर लेती हूँ से फॉर द मंथ ऑफ मे एंड जून ना फिर मैं अपनी क्रेस्टल पार्टनर्स में पूरी कंप्लीट करता हूँ इंटर्नशिप एंड ट्रेन लेके बिलवाड़ा निकल जाता हूँ भिलवाड़ा आने के बाद कुछ दिन बाद मैं वापस से उन एच को कॉल लगाता हूँ एंड आई आस्कर् कि मैम आपने मुझे फ़ोन पे तो कंफर्मेशन दे दिया था बट कैन यू जस्ट सेंड मी ए मेल आल्सो एंड टू माय सरप्राइज शी सेज की सॉरी हर्शी लाइफ फोर गॉट टू बुक योर स्लॉट फॉर द मंथ ऑफ मे एंड जून एंड अभी हमारे पास कोई स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है अब इसमें मैं क्या ही कहता तो फिर मैंने उनसे कुछ खास बात नहीं करी एंड मैंने ये डिसीजन बना दिया कि वापस से मैं यहाँ पर अप्लाई नहीं करने वाला इंटर्नशिप के लिए कभी भी हो सकता है कि ये बहुत ही आइसोलेटेड इंस्टेंस हो ये बट स्टिल अगर ये आइसोलेटेड इंस्टेंस थे अगर ये रेयर इंस्टेंस था तो उनको भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए था सो so, इस वीडियो के थ्रू मैं बस यही कहना चाहूँगी अगर कोई पार्टनर या एसोसिएट इस वीडियो को देख रहा है सो जस्ट ट्रीट द इंटर्न्स इन अ राइट वे एंड साथ ही साथ मैं जो इंटर्न्स हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि अपना हंड्रेड परसेंट परफॉर्मेंस दो आप अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे अपनी इंटर्नशिप में तो आपको भी अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे वो सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड अबाउट माई बैंगलोर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करूं अपनी लॉ स्कूल जर्नी से डू कमेंट डाउन बिलो योर सजेशन एंड योर रिव्यू सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और लिसनिंग दिस वीडियो टिल द एंड हैव ग्रेट डे।